गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन, स्टे होम, बी सेफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, क्लास फोर्थ, इन प्रीवियस क्लास हमने क्या पढ़ा था? एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। सबने अपने अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिए? वेरी गुड। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ सी हियर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन द फॉलोइंग, ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर। हमें इसमें क्या करना है? सेम प्रोसीजर, हमें क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ वेरिफिकेशन योर आंसर। आंसर को भी हमें वेरीफाई करना है। हमें सब हमें फॉर्मूलाज याद है ना? वेरी गुड। नाउ सी 70,434 वी डिवाइडेड दिस बाय 78। हमें पता है 78 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 780। ठीक है, 10 टाइम्स करेंगे तो 780। यहाँ 7070 है, इट मीन्स ये नहीं जाएगा, हमें 3 डिजिट लेनी पड़ेगी। इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली 78 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं रफ कॉलम में। ठीक है बच्चों,
54, ठीक है। 9 9 81 81 प्लस 5 86, ठीक है। क्या हो गया 864, ठीक है। 9 टाइम्स हमारे पास क्या आया 864, यही आया। नाउ सी यहाँ 3 है यहाँ 4 है, वी कैरी 3, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 8, यहाँ 1 कैरी। तो 13 में से 4 गए तो क्या आएगा हमारे पास 9, 13 में से 6 गए तो क्या आएगा 7, 8 में से 8 गए 0, ठीक है। अब हम ये वाला डिजिट यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, 9 नीचे का आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 9 से किया तो हमारे पास क्या आया 864। अब हम इसको किससे करने की कोशिश करेंगे 8 से, ठीक है। 96 मल्टीप्लाई 8, 6 8 जा 8, 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 4, ठीक है। 9 8 जा 8, 9 जा 8, 9 जा 72, 72 प्लस 4 72, 73, 74, 75, 76, ठीक है। 768 क्या आता है हमारे पास 1 से करने पर 768, ठीक है। दस ही हर यहाँ 9 है यहाँ 8 है, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 6 3 अगेन 0। अब हमने यहाँ क्या नोट डाउन कर दिया 6 किया हमने नोट डाउन, ठीक है। अब हमको क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 96 को 3 से, एक बार हम लोग 3 से करके देखते हैं, 4 से करते हैं, चलो 6 4 जा 24, 9 4 जा 36, 37, 38, 384 है, ज्यादा है। अब हम किससे करके देखेंगे 3 से, 6 3 जा 18, 9 3 जा 27 प्लस 1 28, क्या आएगा 288, कितने टाइम 3 टाइम्स। अब माइनस करते हैं हम इसको, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 1, 16 माइनस 8 8, ठीक है। 10 माइनस 8 2, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है 28। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या आया 983, रिमाइंडर क्या आया 28। हमें फॉर्मूलाज पता है, हमें आंसर वेरीफाई करने के लिए डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइजर क्या है हमारे पास 96 मल्टीप्लाई 983 प्लस रिमाइंडर क्या है 28, ठीक है। यही करना है। नाउ सी रफ कॉलम में, सब अपने अपने रफ कॉलम में क्या करेंगे 983 को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे इससे 96 से, 6 3 जा 18, ठीक है। 6 8 जा 48 प्लस 1 49, 9 6 जा 50, 4 प्लस 4 58, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 3 जा 27, 8 9 जा 72 प्लस 2 74, 9 9 जा 81, 81 प्लस 7 88, ठीक है। प्लस करेंगे 8 9 10 16 12 13 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 प्लस 1 9 4 3 6 8 9 4 3 6 8 इसको मल्टीप्लाई कर प्लस 28 करके देखते हैं हम लोग क्या कैसे थे हमारे पास 94,368 प्लस 28 8 8 16 6 7 8 9
Now see next one. 32,182 divided by 16. किससे डिवाइड करना है हमको? 16 से करना है. So let's start. ठीक है, अब देखो 16 है. ठीक है, 16 into 16, 16 2 जा 32. वैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 16 into 16, 16 2 जा 6 6 6 12 1 3 3 2 1 2 plus 1 3. तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 32. वेरी इजी, 0 0. अब हमने यहाँ 1 8 करा, 1 9 करा, नहीं हुआ. ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे. अगेन हम यहाँ 8 मेंशन करेंगे. या 16 है या 18 है, 1 टाइम जा सकता है. यस, ठीक है, क्लियर. नाउ 8 minus 6 2 1 minus 1 0. अगेन हम यहाँ 2 फिर से मेंशन करेंगे. ठीक है, अगेन 16 1 जा 16. ठीक है, 22 है यहाँ, यहाँ 2 12 हो गया, यहाँ 1 हो गया. 12 minus 6 6 1 minus 1 0. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2011 एंड रिमाइंडर क्या है 6. अब हम इसको क्रॉस चेक करते हैं. फॉर्मूला हमें सबको पता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ठीक है, डिवाइजर क्या है 16, क्वेश्चन क्या है 2011, रिमाइंडर क्या है 6. नाउ सी, हम रफ कॉपी में है, सबको अपने अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करना है. ठीक है, क्या है 2011 multiplied 6 6 1 6 6 1 6 6 0 0 6 1 6 6 0 12 11 cross multiply 1 1 1 1 1 0 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
क्या आ गया 32,176 प्लस 6, ठीक है, क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 12, 1, 2, 3. क्लियर क्लियर क्लास फोर, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? नाउ रिमेनिंग बी डी एंड एफ डू योरसेल्फ इन रफ कॉपी एंड ऑल्सो नोट डाउन इन योर फेयर कॉपी. ठीक है, आपको पहले रफ कॉपी में सॉल्व करना है, फिर आपको फेयर कॉपी में करना है. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? आज हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर सेकंड. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. टिल देन बाय स्टूडेंट, स्टे होम, बी सेफ, डू वर्क इन टाइम. क्लियर, आपको अपना अपना वर्क कंप्लीट करना है टाइम पे. क्लियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन बाय स्टूडेंट, स्टे होम, बी सेफ.